बात करते हैं रायबरेली की। जमाना चाहे लैला मजनू का रहा हो या हीर रांझा का, मार हमेशा मजनू और रांझा ने ही खाई है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आया है जिसमें प्रेमिका से उसके घर जाकर चुपके से मिलना प्रेमी को भारी पड़ गया। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की इस कदर पिटाई की कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में इसे जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। रायबरेली के जिला अस्पताल में हाथ पैर तुड़वा कर आए इस युवक को गौर से देखिए, इसे आशिकी का भूत चढ़ा है। ये अपनी प्रेमिका से मिलने इसके घर चुपके से पहुंच गया और फिर क्या, प्रेमिका के घर वालों ने इस कदर उसकी पिटाई की कि जिला अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ गया। दरअसल बचनावा थाना क्षेत्र का रहने वाला मोनू गुप्ता का आरोप है कि वो शहर कोतवाली क्षेत्र के चक भीखमपुर में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। उसके भाइयों को उसकी भनक लग गई, सभी ने बांध कर उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो लहूलुहान अवस्था में पहुंच गया। किसी को तरस आया तो प्रेमी युवक को जिला अस्पताल भर्ती करवाया। प्रेमी को बुरी तरह मार खाने की खबर पाकर प्रेमिका भी उससे मिलने जिला अस्पताल दौड़ी चली आई। प्रेमी युवक घायल अवस्था में भी बार बार यही कह रहा था कि यदि शादी करेगा तो उसी से करेगा, जिसके लिए उसने अपने हाथ पैर पर तुलवा लिए। क्या नाम है? राम रहे। कहाँ से आई हैं? क्या हुआ है, मारपीट किस बात को लेके हुई? चढ़के ना घर में कूदे हैं नंद की वजह से। जब नंद का मैं नहीं पाई नहीं है तो हम कहें मामा कहाँ तैयार रहो, इन टाइम पे हमका एक चट्टा मार के घर में ना कोई किस हम कूद के आए हमें, तो ये जब वही मारपीट में तो अपने आदमी को हम बुलाए बगल में पाउडर है गोदाम है वही किराए पर ले वही पाउडर भी आ जब उसका मार हमारे आदमी है उनका मतलब इनका मारी हमारे घरों मारी रात की मारी। तो आपको चोट कैसे लगी? जब मारपीट भय जब हमको पकड़े रहे मारपीट भय छोड़ा छोड़ा कुछ अच्छा मारो ना हटाओ तो कहीं आज दिन पूजा करा कि आज काले पैसे समझा के आना कूद गए हैं कि मारे गुस्सा।